रो मत मम्मी, रो मत, झूठ बोलना जरूरी, मैं तनु पता। दोस्तों, फेमस ब्लॉगर निकू ब्लॉग्स की बहन रिया के अचानक निधन के बाद निकू की मां ने कुछ ऐसा कहा जिसको जानकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। दोस्तों, निकू की मां का कहना है कि रिया के अचानक इस तरह से चले जाने से हम सभी को तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि रिया सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि वो मेरा दूसरा बेटा था। और हम सभी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसी निडर और अटल रहने वाली लड़की भला ऐसा कदम क्यों उठा सकती है। और रही बात उसकी पढ़ाई की, तो वो अपने पढ़ाई को लेकर काफी बिजी रहती थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिया ने 7 अप्रैल को खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि रिया अपने पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रेस रहती थी जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया होगा। दोस्तों, अपनी प्यारी बहन को खोने के बाद निकू ब्लॉग्स काफी सदमे में है। भगवान रिया की आत्मा को शांति प्रदान करें।